संदीप हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। संदीप हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। संदीप हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। रोती बिलकती ये महिला अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक हफ्ते से दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल सका। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी खुले में घूम रहे हैं। लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागेश्वर की कांडा भेसोड़ी में एक सप्ताह पहले एक युवक का शव मिला था, जिसमें पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ कांडा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी से गुस्साए ग्रामीण गुरुवार को अम्बेडकर चेतना मंच के साथ मिलकर बागेश्वर नगर क्षेत्र में इकट्ठा हुए और बागेश्वर के नुमाइश मैदान से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक नारेबाजी कर जुलूस निकाला। सर, आज हफ्ता हो चुका है और संदीप को लोगों ने बुरी हालत से उसकी हालत खराब मार दिया है। ये पुलिस प्रशासन आज तक इसमें कोई इसका वो नहीं कर रही है। हमेशा आते हैं, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको न्याय दिया जाए, इस प्रकार तुरंत ही न्याय दिया जाए। ये घटना वहाँ पर पहले होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से दूर से निवेदन करता हूँ कि इसको तुरंत 24 घंटे इनको गिरफ्तार किया जाए और इस प्रकार को न्याय मिले। मेरा नाम जाप्त है। यदि इस घटना में अभी तक 8 दिन बीत जाने के पश्चात भी अभी तक इनकी जो है उस हत्यारोपी जो हीरा सिंह मदन सिंह के नाम से उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी ना होना पुलिस प्रशासन पर अपने आप में एक सवाल पैदा करती है। ग्रामीणों ने इस मामले में पुलिस पर हिला हवाली करने और हत्यारोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने हत्यारोपियों पर दलित परिवार को डराने का भी आरोप लगाया है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।